गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप? मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। और करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। और आरव जा रहा है स्कूल और बंधु बांध रही है। देखिए आरव के शूज, आरव का भी शूज बांधने नहीं आए हैं। हैं आरव? और गाइस देखिए, चरण चरण स्पर्श हो रहे हैं मेरे भी। जीत रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। और गाइस देखिए, एक चोर फंसा सुबह सुबह, इसको वहाँ छोड़ने जाना है फिर कूड़ेदान में। लेट हो रहा है यार, जल्दी करो। गाइस इस चूहे ने आरव के चार कच्छे कुतर दिए हैं। आरव तेरे चार कच्छे कुतरे हैं इस चूहे ने। इसको ओए, तू खाएगी इसको? नहीं, गलत बात। दीपू भाई, वो इसलिए कि हमारे टाइम। तो गाइस मैंने ले लिया दूध और आरव चला गया स्कूल। चलो भाई अब इसको छोड़ के आते हैं। चलें जी, आपको छोड़ के आता हूँ मैं। भग भग भग। तो कम समय। अरे वीडियो नारियल ले आया मैं, दो नारियल। ठीक है। नारियल पानी सेहत के लिए अच्छा होता है, सभी को पीना चाहिए। कितने नारियल पानी पी लिए मैंने जब से बीमार हुई हूँ। और ये कम से कम 20 तो हो गए होंगे। बंदू की तबीयत भी थोड़ा कम ठीक नहीं है, मतलब अभी थोड़ा वीकनेस है, तो आजकल नारियल पानी पिला रहे हैं इसको ताकि जल्दी से सही हो जाए ना घर का काम करने के लिए। ये देखिए सुपर हिट मूवी हेरा फेरी, ये बाबू भाई देवर देवा। तो गाइज हम खा रहे हैं करेले की सब्जी, और ये देखिए मेरी रोटी और ये घी। बिना घी की रोटी तो मैं खाता ही नहीं, खा लेता हूँ मतलब मुझे अच्छी लगती है अगर रोटी में घी लगी हो। क्यों जी, सही बात है, सही बात है ना। मक्खन मक्खन और मेरे को चाहिए था घी रोटी में लगा हुआ। मुझे घी पसंद नहीं है, मुझे मक्खन पसंद है। और मूवी आ रही है हेरा फेरी, और ये विपुल भी खाना खाते हुए मक्खन लगा के गांव का मक्खन। तो गाइस रात के बज चुके हैं 10 और हम सब ने खा लिया खाना। आप करूँगा थोड़ा वीडियो एडिटिंग, आज ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई मैंने, थोड़ी बहुत ही बनी है। तो गाइस जो आजकल नारियल पानी मिल रहे हैं, आजकल नारियल पानी का रेट हो गया 60 रुपये। अब 60 रुपये का नारियल पानी, और इतना बड़ा नारियल होता है और पानी निकलता है एक गिलास, वो भी भरोसा नहीं कि गिलास पूरा निकलेगा, कभी कभी तो कम भी निकलता है। और कोई कोई नारियल तो वो होता है उसमें मलाई वाला होता है, जो मलाई वगैरह निकलती है उसके अंदर, क्रीम वगैरह। और गाइस आजकल देखिए रोज़ बारिश आ रही है, मौसम ऐसे ठंडा हो रखा है, जबकि मई का महीना लग गया है और अभी तक गर्मी वैसे बड़ी नहीं है, बारिश आ रही है क्योंकि। और पिछले साल तो आपको पता ही है मार्च में कितना गर्म हो गया था, रिकॉर्ड टूट गया था। और इस बार मई का महीना आ गया 2023 में और अभी तक गर्मी नहीं आई। मैंने तो कूलर भी निकाल दिया था नीचे गैरेज से, एक ही दिन डाला मैंने उसमें पानी, अगले दिन ही बारिश, मौसम ठंडा हो गया। अब मैंने गैरेज वापस बालकनी में रख दिया अभी, अब देखते हैं जब गर्मी बढ़ेगी तभी दोबारा कूलर अब कमरे में लगाऊंगा। आजकल तो पंखा कम ही चला रहा है मैं, एक दो नंबर पे ठंड लग जाती है, वैसे चद्दर ओढ़नी पड़ रही है। तो गाइस मेरी सासू जी मम्मी जी सुबह 6 बजे पहुँच गए थे वो चंबा में, और वहाँ से भी थोड़ा
15 किलोमीटर दूर है गांव। और गाइस देखिए, वंदु भी करी टाइम पास मोबाइल पे वीडियो देख के। और गाइस देखिए, चूहों का क्या क्या किया जाए, सुबह शाम चूहे चूहे परेशान कर दिया चूहों ने। चूहों ने आतंकवाद मचा दिया, रोज दूसरे तीसरे दिन चूहा फंस रहा है और मैं छोड़ के आता हूँ उसको कूड़ेदान के पास, फिर दोबारा आ जाता है यहीं पे, फिर आ जाते हैं, क्या करें। वही आता कि दूसरा आता पता तो चलता नहीं है, अब मार सकते नहीं भैया, पाप अप लग जाएगा। तो एक भाई मिले थे रास्ते में, तो वो कह रहे मार दे अगर, मैं ना भैया मारना नहीं है, तो मैं तो छोड़ के आ जाता हूँ सीधा भैया कूड़ेदान में, क्या करे। तो गाइस मिलते हैं कल सुबह, करता हूँ वीडियो का एंड, तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। ओके बाय, गुड नाइट, लाइक सब्सक्राइब शेयर भूलना मत। ओके बाय।